गाइज हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल ग्रेस एंड ग्लोरी, दिस इज रुचिका। सो गाइज आज की वीडियो में रिव्यू करने जा रही हूँ जॉय एंटी टैन सनस्क्रीन का। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। सो दिस इज़ जॉय हेलो सन सन ब्लॉक एंड एंटी टैन लोशन। सो इसमें है, इट इज़ एक्सट्रीम प्रोटेक्शन UVA प्लस UVB फिल्टर्स विथ पपाया एंड सेफ्रॉन। सो इसके टू मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं, दैट इज़ पपाया एंड सेफ्रॉन। एंड यू नो गाइज के पपाया कितना अच्छा होता है यू नो स्किन के लिए, एंड सेफ्रॉन के तो इतने फ़ायदे हैं कि लाइक उसे हम एक वीडियो में भी कवर नहीं कर सकते। तो सेफ्रॉन बहुत अच्छा होता है यू नो स्किन को यू नो डार्क होने से बचाने के लिए, स्किन की फेयरनेस के लिए। सो PA बैलेंस इज ट्रिपल प्लस विच इज़ वेरी वेरी गुड, एंड SPF इसमें 40 है विच इज़ अगेन गुड। SPF 40 अच्छा होता है यू नो अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो आई थिंक SPF 40 या फिर SPF 50 आपको चाहिए ही होता है। बट मेरे पास SPF 50, मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ, लेकिन आई जस्ट थॉट लेट्स ट्राई इट बिकॉज मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने इसे ख़रीद लिया। और आई थिंक अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20 दिन हो चुके हैं मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा ये सनस्क्रीन लगा। सो देन ये 60 ml का पैक है, सो जस्ट सी 60 ml का ये काइंड ऑफ ट्यूब है, प्रिवेंट स्किन डार्कनिंग, तो स्किन को डार्क होने से बचाता है। आई एम सो सॉरी गाइज, मॉनसून सीजन है, बहुत ह्यूमिड है, ऑल्दो मैंने फ़ैन ऑन रखा है बट यू कैन सी आई एम जस्ट स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइज, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है यहाँ पे। ओके सो देन ये 150 rupees का है, 150 rupees का ये है, और आई थिंक इसकी शेल्फ लाइफ आपको 3 years की मिलेगी। यह May 19 का मैन्युफैक्चर्ड है एंड दिस इज़ गोइंग टू लास्ट टिल अप्रैल 22। ओके सो 3 years का आपको शेल्फ लाइफ इसमें मिलता है, 150 rupees का है, बहुत अफोर्डेबल है आई गेस, एंड 60 ml का प्रोडक्ट इसमें आपको मिलता है, तो आई थिंक ये बहुत अफोर्डेबल है। एंड इसमें तीन चीज़ें इसकी मेन यहाँ पे दी गई हैं, प्रिवेंट्स प्रोटेक्ट्स नरिशेस, तो स्किन को यू नो प्रिवेंट करता है डार्कनिंग से, डार्कनिंग होने देता, टैनिंग नहीं होने देता, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अच्छे से, एंड देन आपकी स्किन को नरिश भी ये करता है। एंड इसमें अगेन इसके यहाँ पे 4 points दिए हैं, 1 इज की इट प्रोवाइड्स 40 times मोर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्किन डार्कनिंग, तो स्किन को डार्क नहीं होने देता, 40% यू नो 40 times मोर इस आपको प्रोटेक्ट करता है। एंड देन है प्रिवेंट्स, दिस इज प्रिवेंट्स टैनिंग एंड इम्पार्ट्स लास्टिंग फेयरनेस। ओके तो टैनिंग को रिमूव करता है और लंबे समय के लिए यू नो आपकी स्किन को फेयर करता है। देन इसमें है कि स्वेट फ्री फॉर्मूला है एंड देन इट इज़ आइडियल फॉर समर यूसेज, सो दिस इज़ रियली रियली रिक्वायर्ड गाइज, लाइक समर्स में आपको ऐसे ही प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं जो स्वेट फ्री हो, तो इसका फॉर्मूला स्वेट फ्री है विच आई रियली रियली लाइक। एंड ऐसा तो हमेशा होता है जब भी आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करते हो स्वेटिंग बहुत होती है, लेकिन इससे सच में स्वेटिंग नहीं होती। एंड देन इट हैज़ ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, सो दिस इज़ अगेन वेरी यू नो गुड बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ग्रीसी या ऑयली आप समर्स में बिल्कुल नहीं लगा सकते बिकॉज यू नो बहुत ही चिपचिपा या स्टिकी चीज़ें समर्स में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत ही इरीटेशन उससे होती है। तो आई थिंक जितनी भी इसकी क्वालिटीज़ हैं वो बहुत सही हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी यूज़ करने में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इट इज़ वाइट इन कलर, यू कैन सी फ्रेग्रेंस अच्छी है गाइस, डेफिनेटली ये क्रीम बेस है बट स्टिल आई थिंक इट इज़ नॉन ग्रीसी, इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, स्वेट फ्री इसका फॉर्मूला है, तो आई थिंक ये मुझे बहुत पसंद है। एंड यू कैन सी एक काइंड ऑफ ग्लो स्किन पे आ जाता है, बहुत जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ स्टिकी या चिपचिपा आपने अप्लाई किया है, सो एकदम से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, यू कैन सी बहुत ही हेल्दी ग्लो स्किन पे लगता है। सो यस गाइस, एंड ये सनस्क्रीन आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट पे ये चीज़ मिल जाएगी एंड ऑफलाइन तो वाइडली अवेलेबल है। एंड इसके साथ साथ जॉय का एक और सनस्क्रीन है जो कि आई थिंक स्किन वाइटनिंग लोशन है, उसके ऊपर भी मैं एक रिव्यू कर चुकी हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं ना दोनों में से कौन सा अच्छा है, इसके ऊपर मैं एक कंपेरिजन काइंड ऑफ वीडियो कर दूँगी ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कि आपको कौन सा खरीदना है, कौन सा यूज़ करना है। एंड इसके साथ साथ आई थिंक जॉय में एक और सनस्क्रीन आता है विच इज़ टिंटेड सनस्क्रीन, जिसमें यू नो हल्का सा वो कवरेज भी आपको देता है, तो उसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, तो उस पर भी एक रिव्यू आएगा। सो मैं कोई भी चीज़ विदाउट यूज़ किए उस पर रिव्यू नहीं करती, तो अभी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, अब जस्ट अभी 4-5 दिन उसे हुए हैं यूज़ करते हुए,
तो जब आई थिंक अराउंड 1 मंथ हो जाएगा तो मैं उस पर भी रिव्यू करूँगी वो किस तरह का है। सो यस गाइस, यही इस सनस्क्रीन के बारे में, बहुत अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन है, पीए बैलेंस इज ट्रिपल प्लस एंड SPF 40 इसका है। अगर आप ऑफिस जाते हो, ज़्यादा सन में एक्सपोज होते हो, तो ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। एंड आप थोड़ा सा अफोर्डेबल अगर कुछ चाहते हो, लाइक न्यूट्रोजीना की सनस्क्रीन है SPF 50 और SPF 40, देन लैक्मे के हैं, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। ये वाला जो सनस्क्रीन है 150 रुपीज़ का है ओनली, थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड पे है एंड क्वालिटी वाइज इज ट्रॉली अमेजिंग। सो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं इसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज़ वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। इफ़ यस, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।